हजारी बाग की बात कर रहे हो जिसका जैन धर्मावलंबियों को बेसब्री से इंतजार था, वो पल वो लम्हा आज ही 22 जुलाई को चातुर्मास लगभग 2 वर्षों के बाद हजारीबाग के जैन धर्मावलंबियों को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या कुछ होगा, कितने लोग आ रहे हैं, पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आज ये कलश स्थापना का विहंगम दृश्य आमजनों के बीच देखने को मिलेगा। अध्यक्ष हमारे साथ है धीरेन्द्र जी सेठी। धीरेन्द्र जी, 2 वर्षों के बाद ऐसा मौका मिलता है, क्या कहें? ये देखिए बहुत ही उल्लास का विषय है हजारीबाग दिगंबर जैन समाज के लिए कि 2 वर्षों के उपरांत बहुत ही पुण्य का तीव्र प्रबल समय आया, इतना पुण्य उदय हुआ कि आज हम लोग को 2 वर्ष के बाद आज गुरुदेव सुरेश सागर जी महाराज का चातुर्मास का सौभाग्य हजारीबाग को मिल रहा है। इस चातुर्मास में धर्म की गंगा बहुत तीव्र जोर से बहुत उत्साह से लोगों के मन में भरी हुई है। बहुत ही उत्साह के साथ ये चातुर्मास का कार्यकाल व्यतीत होगा जिसमें धर्म की गंगा बहुत ही आराम से दोपहर 1 बजे भव्य कलश स्थापना होना है। अगर आज के कार्यक्रम की बात करूँ क्या क्या होगा इस कार्यक्रम आज 1 बजे से ध्वजारोहण तो आज सुबह में हो गया, उसके बाद आज 1 बजे दिन से कलश स्थापना 4 महीनों के लिए गुरुदेव यहाँ निवास करेंगे, प्रवास होगा उनका, उसके कलश की स्थापना होगी जिसमें कि धर्म की गंगा बहेगी और समाज के बहुत प्रबुद्ध वर्ग धर्म प्रेमी वर्ग का कलश की स्थापना करेंगे और धर्म का लाभ लेंगे, तत्पश्चात सभा का विसर्जन किया जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्योंकि इस उम्र में भी ये उत्साह उमंग धीरेन्द्र जी सेठी के चेहरे में साफ झलक आते से होगी। कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेला, आवाज है सी टीवी हजारीबाग।